दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2024 न्यू मॉडल के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं 2024 में तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी में आपको कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं और इस गाड़ी की प्राइस इस समय क्या चल रही है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशंस की तो इस गाड़ी में आपको 1197 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 80.46 bhp की पावर 5700 rpm पर, वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 111 Nm का टॉर्क 4300 rpm पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये गाड़ी 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी के साथ आती है। वहीं अगर बात करें इस गाड़ी के ट्रांसमिशन की तो इसमें आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 265 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है और फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो 37 लीटर का इसमें आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। साथ ही ये गाड़ी जो है तो 24.8 यानी कि लगभग 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज पेट्रोल में ये देती है, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें इस गाड़ी के न्यू प्राइस की तो अगर आप इस गाड़ी को लेते हैं राजस्थान के जयपुर सिटी से तो इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस होगी 6,48,691 रुपये, जिसमें आपका RTO चार्ज इसी एक शोरूम प्राइस में जुड़ेगा 70,441 रुपये। वहीं अगर आप इस गाड़ी का इंश्योरेंस अगर करवाते हैं तो उसका जुड़ेगा 31,581 रुपये और दोस्तों इसमें आपके अदर चार्जेस लग जाएंगे 600 रुपये, यानी कि सभी टैक्स और चार्जेस इंक्लूड करने के बाद इस गाड़ी की टोटल ऑन रोड प्राइस निकल कर आती है जयपुर सिटी की 7,51,313 रुपये। अब दोस्तों ये प्राइस जो है तो जयपुर सिटी की प्राइस है, लेकिन अगर आप इसी गाड़ी को किसी अदर सिटी से अगर ख़रीदेंगे तो इस गाड़ी की प्राइस कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस गाड़ी को किस सिटी से ख़रीदना चाहते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को अगर फाइनेंस करवाएंगे तो इसमें मैं आपको 3 फाइनेंस प्लान बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के 7 साल यानी कि 84 महीनों के लिए अगर आप इस गाड़ी का अगर फाइनेंस करवाते हैं तो इसमें अगर आप शुरुआत में कम से कम डाउन पेमेंट 1,45,000 रुपये तक का अगर करेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 6,41,000 रुपये का बनेगा और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 10,581 रुपये की हर महीने की और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 8,89,000 रुपये। लेकिन वहीं पर अगर आप इस गाड़ी को अगर 6 सालों के लिए फाइनेंस करवाएंगे यानी कि 72 महीनों के लिए तो उसमें भी अगर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 1,45,000 रुपये तक का अगर शुरुआत में करते हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 6,41,000 रुपये का बनेगा और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 11,817 रुपये की हर महीने की और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 8,51,000 रुपये। अब दोस्तों हम फाइनली लास्ट में बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को इस गाड़ी का फाइनेंस करवाना है 5 सालों के लिए यानी कि 60 महीनों के लिए तो इसमें भी अगर आप इतना ही सेम डाउन पेमेंट 1,45,000 रुपये तक का अगर शुरुआत में करते हैं तो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट 9.8% लगाने पर आपका लोन अमाउंट 6,41,000 रुपये का बनेगा और इसमें आपकी हर महीने की किस्त बनेगी 13,564 रुपये की हर महीने की और इसमें आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 8,14,000 रुपये। तो दोस्तों यही थे न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट के एलेक्साई 2024 न्यू मॉडल के न्यू प्राइस और उसके फाइनेंस डिटेल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।